अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे टोटल निकालते हैं, मतलब ऑप्टन मार्क्स और परसेंटेज, और फिर हमने निकाला था ग्रेड। तो ग्रेड को जो है मैंने यहाँ FX यानी कि फंक्शन के ऑप्शन से बताया था, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसे लिख करके करेंगे। तो अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी नई वीडियोस को अपलोड करूँ तो आप नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको इतला हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ग्रेड निकला हुआ है, तो मैं इसे करता हूँ डिलीट। ठीक है, मेरा क्राइटेरिया मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, आपको बताया था कि हम कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल का साइन लाजमी लगाते हैं। यहाँ पे ग्रेड टूल में कह रहे हैं कि अगर परसेंटेज बड़ा बराबर हो 90 के तो वो क्या बताए, A1। तो मैंने लगाया फंक्शन इफ, फिर मैंने लगाया राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे आपसे पहले पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब उसे काम बताइए। क्या काम बताना है हमें, परसेंटेज देखो बड़ा हो बराबर हो किसके, 90 के। तो हमने काम इसे दे दिया। अब ये अगर बड़ा या बराबर 90 के होता है तो वैल्यू ट्रू में हम जो भी लिखाएंगे वो आंसर देगा। और हम जब कोई भी चीज़ टेक्स्ट लिखते हैं फंक्शन के अंदर या फॉर्मूला के अंदर, लाजमी आपको लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, कुछ लोग दो दफ़ा ऐसे लगा देते हैं, ये गलत है। शिफ्ट दबा के आपने प्रेस करना है तो ये इन्वर्टेड कॉमा दोनों एक साथ आएगा, इसे हम कहते हैं डबल कोट। अच्छा, डबल कोट कुछ कीबोर्ड्स में ये आपको नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको आसानी के लिए बता दूं। आप एक कीबोर्ड में जे के एल, एल के बराबर में होगा कॉलन, कॉलन के बराबर में होगा ये इन्वर्टेड कॉमा। तो शिफ्ट दबा के आप इन्वर्टेड कॉमा बटन प्रेस करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ये लगा देगा। मैंने लगा दिया यहाँ पे A1। ठीक है, मेरा यहाँ पे काम एक डन हुआ। अगर ये नहीं होता है तो फिर दोबारा देखिए। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया दोबारा इफ, फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं इसको क्या बोलूंगा कि परसेंटेज, परसेंटेज हमारा है K3 बड़ा हो बराबर हो किसके, 80 के। अगर 80 के बड़े या बराबर हो तो उसको क्या शो कर दे, ए। फिर मैंने कॉमा, फिर इफ राउंड ब्रैकेट K3 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, एंड देन इसको शो कर दे बी। फिर कॉमा, इफ K3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसे शो कर दे सी। फिर कॉमा, इफ K3 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो इसे शो कर दे डी। फिर इफ K3 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 के बाद है 40, तो उसे शो कर दे ई। अदरवाइज अब क्या करे, दोबारा चेक करे क्या, इफ K3 यानी कि परसेंटेज लेस देन हो, सॉरी लेस देन हो किसके, 40 के, तो उन सबको वो क्या कर दे, फेल। इंटर कॉमा क्लोज। और अब हम यहाँ पे जितना ब्रैकेट हमने ओपन किया है उतनी ही ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन ओके। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूलाज को लिख करके भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। आपको एक दफ़े में ये नहीं आएगा, तकरीबन तकरीबन आप इस फॉर्मूले को 10-12 बार मतलब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है, वैल्यू ट्रू में क्या हो रहा है, वैल्यू फॉल्स। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको ये समझ में ऐसे नहीं आएगा। ओके, आगे हमारे पास है रिमार्क्स। रिमार्क्स का यहाँ पे क्राइटेरिया मौजूद है कि अगर परसेंटेज बड़ा या बराबर हो 80 के तो लिखा हुआ है ग्रेड, वरना चेक करेगा दोबारा कि परसेंटेज बड़ा या बराबर हो 60 के तो लिखा हुआ है नॉर्मल,
वरना जो भी 60 से कम हो उसका लिखा हुआ है नीड हार्डवर्क। मैं इसको भी लिख के करूँगा। इफ़ हमारा परसेंटेज है K3 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, हमारा काम यहाँ पे हमने दे दिया। फिर हम वाली ट्रू में हमें क्या चाहिए कि अगर बड़ा या बराबर हो तो क्या लिखा हुआ है, ग्रेट, डन। फिर कॉमा, फिर हम चेक कराएंगे इफ K3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल। फिर इनवर्टेड कॉमा क्लोज, फिर इफ सॉरी K3 लेस देन हो किसके 60 के तो हमें क्या लिखा हुआ शो करना है, नीड हार्ट वर्क, एंड देन जितना ब्रैकेट हमने ओपन किया है उतना ही क्लोज कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर देता है। नॉर्मल, क्योंकि इसका 60 से अबव है, ये भी 60 से बल्कि 80 से अबव है। ग्रेड नॉर्मल 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 सब नॉर्मल। हम किसी एक को कम वैल्यू देके देखते हैं। नीड हार्ड वर्क देखें, ये आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज 60 से कम है। एवरेज, एवरेज आपको पता है कि परसेंटेज और एवरेज में फ़र्क होता है। परसेंटेज हमेशा जो भी उसके ओवरऑल नंबर से डिवाइड होके आता है, मतलब जो भी उसका मैक्सिमम वैल्यूज बन रहा होता है उसको डिवाइड करते हैं उसके ओवरऑल नंबर से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो इसका आंसर हमेशा 100 यानी कि 0 से लेके 100 के दरमियान या 0 या 100 ही में आ रहा होता है। तो इससे आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करने में इजी है, जबकि एवरेज जो है वो आपके किसी भी वैल्यूज में से उसके दरमियाने लेवल को देगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका मैच में 500 रन है, 400 रन है, 300 रन है, 600 रन है, तो उसको जो वो कंपैरिजन करेगा वो ये नहीं बताएगा कि कितने परसेंट में, यानी कि 100, 99, 55 ऐसे नहीं बताएगा, बल्कि वो उन तमाम 400, 500, 300, 600 वालों को मैसेज सेंटर एवरेज निकाल के दे देगा। तो एवरेज का अगर देखा जाए तो फॉर्मूला कुछ ये बनता है, टोटल नंबर डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ नंबर, ये आपका बन जाएगा एवरेज। तो इस वजह अगर अब मैं सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, टोटल, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन बना हुआ है, हम इस तरीके से काम क्यों करें, जब इसमें फंक्शन मौजूद है तो फंक्शन हम यूज करते हैं इक्वल का साइन, इक्वल एवरेज, ठीक है। अब एवरेज में ये वो तमाम नंबर्स मांगेगा, ठीक है। आप परसेंटेज निकालते हो तो सिर्फ टोटल नंबर देते हो, जबकि एवरेज ये तमाम नंबर मांगेगा जो जो उसने हासिल किया हो, यानी कि अगर रन में लिया हो तो रन हो, अगर मैथ सब्जेक्ट्स में लिया हो तो सब्जेक्ट्स हो, अगर कहीं का भी आपने कुछ डाटा लिया हो तो तमाम डाटा को आपने देना है। तो मेरे पास जो यहाँ पे डाटा है वो उर्दू से लेकर के ड्राइंग तक है, तो मैंने उर्दू से लेकर ड्राइंग तक के एरिया को सेलेक्ट कर लिया और राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप देखें यहाँ पे एवरेज इसका दे रहा है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि सर ये तो परसेंटेज और एवरेज सेम आ रहा है, बिल्कुल अभी फिलहाल सेम आ रहा है, मगर जब मैं इसके वैल्यूज को 300 कर दूं, 450 कर दूं, 500 कर दूं, तब आप देखें इसका एवरेज जो है वो कहाँ जा रहा है, 4949 पे जा रहा है, जबकि परसेंटेज ऐसा क्यों हो रहा है। परसेंटेज भी गलत हो रहा है, मगर देखिए आप परसेंटेज जो है आप हमेशा निकालते हैं किसके, अल्लाह भला करे, 100 के वैल्यूज तक निकालते हैं। तो इस वजह अगर जब आपने इसको दिया है तो ये मसला आ रहा है। अब परसेंटेज में ये चेंजिंग इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसका जो ओवरऑल मार्क्स रखा था 100-100 करके 500, अब अगर 500-500 के लिहाज से 5 सब्जेक्ट हैं तो इसके हो गए 2500। तब आप देखें अभी परसेंटेज ये एक्यूरेट वापिस 85 पे आ चुका है, मगर एवरेज जो है वो 400 के वैल्यूज में ही दे रहा है। तो ये इसमें कुछ डिफरेंस होता है कि एवरेज आपके जो इनपुट नंबर्स हैं उस पे डिपेंड करता है, जबकि परसेंटेज जो है वो आपके क्या कहते हैं,
100K अंडर रह करके आपके वैल्यूज को शो कर रहा होता है, ताकि आपको कंपैरिजन करने में या उसका अंदाजा लगाने में आसानी हो सके। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एवरेज और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, और आप प्रैक्टिस करें कि आप खुद से ज़्यादातर कोशिश क्या करें कि फॉर्मूलाज जितने भी हों लिख करके करने का मतलब डायरेक्टली इक्वल के साइन लगा के प्रैक्टिस करने की आदत डालें। इससे क्या होता है कि आपका हाथ कीबोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो जाएगा, और आपको कोई काम करते हुए देखेगा तो वो आपसे मुतासिर होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।